नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम नॉलेज में, जहां पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। ये एसएससी एचएसएल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि 9/7/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। ये देख लेते हैं, चारों सेक्शन का 100 क्वेश्चन है दोस्तों। पहले देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंसी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपकमिंग नोटिफिकेशन चल जाएगा आप सभी के लिए। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा। एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम जब भी शुरू होगा आप पूरा अच्छे से प्रिपरेशन रखे रहिए दोस्तों। ये 52, 54, 57 नंबर सीरीज से आया हुआ है, इसको इसका आंसर क्या होगा, 80 हो जाएगा इसका नेक्स्ट। उसके बाद देखिए फिगर से आया हुआ है दोस्तों, इसमें फिगर दे दिया गया है, और इसका नेक्स्ट फिगर होगा जो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और ये उसके बाद देख सकते हैं, नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे दिया हूँ, आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। सिलेक्ट द सेट ऑफ विच नंबर इज़ रिलेटेड टू द सेम वे ऑफ द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों। जितना हो सके मैं एनालिसिस करवा दूंगा आप सभी के लिए, 100 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें आया है फॉलोइंग सेट, तो सिलेक्ट द नंबर ऑफ द रिलेटेड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इस सेट में से कौन होगा ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 115, 65, 80। उसके बाद दोस्तों दिया गया है जनरल इंटेलिजेंसी से कोड लैंग्वेज मिलिट्री रिटर्न किया गया है, ATC VKN कोयो को, तो डिसऑर्डर क्या होगा रिटर्न में, तो TGF TQU KF हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन से आया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल कंक्लूजन फॉलो दोस्तों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, जो कि दिया गया है टू साइन शुड बी इंटरचेंजेबल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट, तो करेक्ट सिक्वेंस में क्या होगा ना, इन टू और माइनस हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई और माइनस। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, तो क्या होगा इसका आंसर, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 6, ये दे दिया गया है, आप खुद ही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले 2, फीलिंग पेन इन स्टोमाच, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, देख लीजिएगा आप। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन करवाना है आप सभी के लिए, ये दे दिया गया है GJL 71 PFM, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मिररी में से आया हुआ है, इसका मिरर ऐसे होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 9 नंबर का। उसके बाद दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सम 209 इन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 फ्रेंड ABC एंड सच ए वे, A 6 times rupees, B C gets 4 times बिफोर बी, तो हाउ मैनी डॉज ए गेट, तो 114 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए 10 नंबर का। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर दिया गया है आपका, जो कि लेटर क्लस्टर से आया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा LPCK, अगर QUHP है तो HRMT, आपका MWRY हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following 4 words आर ए लाइक ए सर्टन वे एंड 1 different पिक ऑफ ऑड 1 out, तो इसका क्या होगा, हार्मोन हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। उसके बाद दोस्तों आया हुआ है सिलेक्ट द फॉलोइंग कमिंग नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज से आया हुआ है, तो इसका नेक्स्ट फिगर ये ब्लैंक में ऑप्शन 1 आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देख लेते हैं, इफ़ ऑसम इज कोडेड 1551645, तो इसका डिग्निटी क्या होगा ना, इसका डिग्निटी 4975927, ऑप्शन 1 जो कि है ऑप्शन A में। उसके बाद पेन रिलेटेड टू दी एंगोनी इज द सेम वे ऑफ एंग्री रिलेटेड टू, ये फ्यूरियस ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद द 2 different पोजिशन ऑफ द सेम डाइस टू 6 face ऑफ द विच नंबर इज द 1, 2, 6, फाइंड ऑड अपोजिट ऑफ बिंग 2, तो इसका अपोजिट क्या होगा ना, 4 हो जाएगा इसका आंसर, आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मर्चेंट ट्रेड होगा तो डॉक्टर ही ट्रीटमेंट होगा दोस्तों, इसका सेम वे वर्ड पेयर से आया हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी का 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 letter क्लस्टर से आया हुआ है, तो इसका होगा ऑड 1 LQVZ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका दिया गया है वेन डायग्राम से क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर ग्रेजुएट मेल्स ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर द प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन 4, 25 हो जाएगा दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लेटर सीरीज से आया हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा CRCCPCRO, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं 22, जो कि होगा फादर इन लॉ, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद 23 देख लेते हैं, 3 of the following 4 number of a certain one is different
पिक नंबर ऑफ दी रिसेट, तो 159 होगा इसका आंसर ऑप्शन टू जो कि है। उसके बाद फिगर एक्स इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो रोटेशन नहीं चाहिए ये जिसे दिया गया है 1 2। उसके बाद इसका फिगर आएगा ऑप्शन थ्री जो कि फिगर ये है। आप वीडियो पॉज करके डिटेल देख लीजिएगा। सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर आर रिलेटेड टू द टू फॉलोइंग नंबर इज द पेयर, तो ये आपका 12:2 रेशियो 288 होगा इसका आंसर ऑप्शन थ्री। उसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस से पूछा गया है, 22nd एनुअल यूके इंडिया अवार्ड 2018 कौन पाया था, ना शिल्पा शेट्टी, इस बार पूछ सकते हैं 2019 में कौन है, तो देख के जाइएगा। उसके बाद दोस्तों इन व्हिच शिकागो यूएसए कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजियस दैट इंक्लूडेड स्वामी विवेकानंद रिलीजियस हाईलाइट, तो 1893 है, 1893 दोस्तों जो कि आंसर है। उसके बाद धेंका ई वेल नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन स्टेट, जो कि उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन है। उसके बाद राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन अमृतसर हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द पिगमेंट दैट द ह्यूमन स्किन हेयर आइज इट कॉलर इज कॉल्ड, तो मेलानिन हो जाएगा इसका आंसर। आप सभी ने जानते होंगे। और IPO स्टैंड फॉर इकोनॉमी, IPO स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका आंसर ऑप्शन टू। द बुक दिल्ली इज नॉट फेयर विच ऑफ द ऑथर, जो कि रुकसन बॉन्ड हो जाएंगे इसका आंसर। उसके बाद व्हाट इज द इंडिया रैंक 2019 की राइट्स इंडेक्स, तो 117। अभी सब रैंक याद करके जाइएगा दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार एग्जाम से पहले, अभी आपके पास टाइम भी है। श्रीलंका सिचुएटेड साउथ ईस्ट कोस्ट इंडिया अक्रॉस बेल्ट स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा इसका ऑप्शन टू। तो उसके बाद हम्पी केन्यू एसोसिएटेड विच ऑफ दी स्पोर्ट्स, जो चेस। उसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पोर्ट्स, गल्फ। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीन इन ए सॉफ्टवेयर दैट परमिटेड ए व्यू सेवरल प्रोग्राम एट वन टाइम इज कॉल्ड विंडो, ऑप्शन थ्री दोस्तों। उसके बाद व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन 2019 IPL, जो कि मुंबई इंडियंस हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ के भी जाइएगा दोस्तों। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया वॉज द सेट स्पिनिंग इन द 1854 इन बॉम्बे हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन किए रहेंगे। और फर्स्ट वोमेन टू है बिकम ए गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट लेवल से हार्ड होते जा रहा है दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा भवाना कांत, जो कि फर्स्ट कॉम्बैट मिशन ऑन ए फाइटर जेट है, जो कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है दोस्तों जो क्वालिफाई किए हैं, भावना कांत। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। और देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल विच एरिया इज कॉल्ड बायोमास, दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन टू। फॉर ए इकोनॉमिस्ट रेफर टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस पीपुल्स आर बोथ विलिंग एबल टू बाय, डिमांड ऑप्शन वन हो जाएगा। उसके बाद आज पर द सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस, थाने इन महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन टू। उसके बाद हुए एज द फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903, जो कि मैरी क्यूरी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हुए ने वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे सेलिब्रेटेड, जो कि 17th में हो जाएगा इसका आंसर। करंट अफेयर से आया था दोस्तों, उसी वक्त एग्जाम में उसी टाइम में हुआ था। फैट सोल्यूबल विटामिन प्ले रोल ब्लड क्लॉटिंग बोन मेटाबॉलिज्म, तो रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद 23 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिजर्वेशन सीट शेड्यूल द कास्ट ट्राइब इज द हाउस ऑफ द पीपल, आर्टिकल 330 में है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर द गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि जॉर्ज विटे हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 25 डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, तो बाइट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद एप्टीट्यूड देख लेते हैं दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंसी और जीके का ख़त्म हो गया, जनरल अवेयरनेस का अभी एप्टीट्यूड देख सकते हैं, तो ये वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 10/3 प्रॉफिट दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट इसका हो जाएगा 9:9:16 ऑप्शन ए। उसके बाद इसका हो जाएगा 30,000 दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आया हुआ है पाई चार्ट से, देखते हैं बार ग्राफ से आया हुआ है ये आपका, इसका आंसर 240 हो गया हो जाएगा इसका आंसर।
उसके बाद सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखा हुआ है इसका, जो कि आ जाएगा 1/2 इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद द एवरेज ऑफ दी 15th पर्सन 32 ईयर्स, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 53 दोस्तों। यंगेस्ट पूछा गया है, यंगर एमंग द न्यू पर्सन पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों ईट इच रेक्टेंगुलर डिक्रीजेज 11%, तो विल डिक्रीजेज बाय 20 पॉइंट, 79.79% ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद ए बी कैन कंप्लीट ये आया हुआ है आपका, जो कि 30,000 हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद 9 नंबर देख सकते हैं, जो कि वैल्यू दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34√5 ऑप्शन 2 हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर का देख सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। उसके बाद 11 नंबर देख सकते हैं, इफ़ ए कॉज इतना दिया है, इतना इतना दिया, तो इसका हो जाएगा 18 ऑप्शन 4। उसके बाद इफ़ ए स्क्वायर बी क्यू इक्वल टू 899, ए बी ए माइनस बी 31, देन दो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 AB इक्वल टू दी 29 ऑप्शन 4। उसके बाद 13 देख सकते हैं, इज द रेशियो बिटवीन दी टू ट्रेंड 2:5, ये इतना दिया गया है, तो इसका आंसर 75 हो जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इसका होगा दोस्तों 64 डिग्री ऑप्शन 4। उसके बाद 15 का देख लेते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन, ये देखते हैं 25 हो जाएगा इसका आंसर, ये दे दिया गया है डाटा, आप देख लीजिएगा। 16 का हो जाएगा दोस्तों, जो कि 12 हो जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिकल सच दैट, तो इसका ए बी डिस्टेंस का 36 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 18 का देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 6। उसके बाद 19 देख सकते हैं, 6,300 रुपीज़ ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बार ग्राफ से आया हुआ है, ये रिजल्ट ऑफ स्कूल दिया हुआ है, डिटेल एकेडमी कितने में कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा 2013 से 2014 ऑप्शन 1। उसके बाद दोस्तों इसका प्रॉफिट लॉस आया हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों 22 देख सकते हैं, 12 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 2। उसके बाद 23 फिर से बार ग्राफ से आया हुआ है, तो बार ग्राफ करके जाइएगा दोस्तों। डाटा रिप्रेजेंटेशन जो कि 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है दोस्तों अभी तक, जो कि इसका आंसर 16 से 17 हो जाएगा, इसमें डाटा दे दिया है 5 एकेडमिक ईयर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1/16 है। उसके बाद फिर से लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका भी बार ग्राफ से आया हुआ है, और इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर 27% हो जाएगा दोस्तों, और देख लीजिएगा। और इसके ख़त्म हो गया दोस्तों 3 सेक्शन, आइए आखिरी सेक्शन इंग्लिश का है। द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म गिवेन सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आंसर द इंटरव्यू आस्क्ड अस्कोस व्हाई ही हैड लेफ्ट दैट जॉब द प्रीवियस मंथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये हम देख सकते हैं इसका। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BDAC, ये पारा जंबल से आया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये देख दिया गया है, गिवेन सेंटेंस इज द नो इम्प्रूवमेंट, तो कुछ करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा करना है इसमें इम्प्रूवमेंट, आई एम अफ्रेड आई डू नॉट नो, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की दरकार नहीं है इसका, वी हैव बीन वेटिंग, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। उसके बाद 5th में देख सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन से द पेंडिंग विल बी कम्प्लीटेड इन ए वीक टाइम, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अचीवमेंट हो जाएगा इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, इसका वर्ड में करेक्टली स्पेल्ड, तो अचीवमेंट इसका करेक्ट वर्ड होगा। उसके बाद दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव से आया हुआ है, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स आपका दे दिया गया है, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या फिलअप होगा आप बताइए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन आएगा इंग्लिश सेक्शन से, तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेट रिग्रेटेड, तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन ऑफ USP डेवलप इन 1940 यूनाइटेड स्टेट UPS, तो फर्स्ट रिग्रेटेड हो जाएगा ऑप्शन 1। ट्रू वैल्यू ऑफ 2 डैश में क्या होगा, 2 में, तो 2 में आपका हो जाएगा नंबर 2 में ऑफ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक, तो उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है 2 में हो जाएगा आपका ऑफ ए फ्रीम हो जाएगा। 3rd में देखिए एवरी एवरी सक्सेसफुली हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। और उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंसिव से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर था आपका ऑफ था, उसके बाद एवरी सक्सेसफुल, और 4th में आ गया ऑलवेज ए वैल्यू प्रीपोजिशन समथिंग डैश। 5th में क्या आएगा, 5th में आपका आएगा द द द प्रमोटर
एंड द मैनेजर्स आर द प्रोडक्ट, ऑप्शन टू हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस इज द कॉन्टेंट, तो ग्रामेटिकली एरर जो है ये टेरिबल वेदर हो जाएगा, ये जो दिया गया है सेंटेंस में से। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ग्रामेटिकली एरर, आस्क यू नो दैट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। ये सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा आप। उसके बाद साइलेनियम से आया हुआ है ऑर्थो डक्स, क्या होगा ट्रेडिशनल होगा इसका आंसर दोस्तों। उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट गिविन द आइडियम फ्रेम से आया हुआ है, एट आर्म लेंथ अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस होगा इसका आंसर ऑप्शन थ्री। 15 का, 16 का देख सकते हैं, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फ्लसूर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी टेस्ट इसका आइडियम पूछना गया था दोस्तों। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक से आया हुआ है डैश फॉर द पॉलिसी मेकर, चैलेंज द पॉलिसी मेकर ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका आंसर। 17 का दोस्तों, 18 का हो जाएगा डिफरेड ऑप्शन थ्री, डिफरेड पेमेंट ओनली दोज हाई इनकम ब्रैकेट होगा ऑप्शन थ्री। उसके बाद 19 हो जाएगा एक्रोनोमी ऑप्शन फोर हो जाएगा, ये वर्ड इनिशियल लेटर द प्रोनाउंसिएशन एज द वर्ड, ये एक्रोनोमी हो जाएगा ऑप्शन फोर। उसके बाद 20 का हो जाएगा आपका मैक्सिम, जो कि शॉर्ट स्टेटमेंट इन एक जनरल ट्रूथ अब रूल ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21 रिग्रेट हो जाएगा रिट्रेट ऑप्शन फोर्थ, जो कि एडवांस का होगा दोस्तों एंटोनियम। और उसके बाद 22 का देख सकते हैं स्पीच हो जाएगा क्वेस्ट का, इसमें भी पूछा गया सिनोनियम पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम सर्च हो जाएगा क्वेस्ट का। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एरोगेंट का क्या होगा एंटोनियम, एरोगेंट का होगा हम्बल अपोजिट वर्ड। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, जो कि होगा आपका रिसीप्ट ऑप्शन थ्री। उसके बाद 25 लास्ट देख सकते हैं, इसका हो जाएगा CABD। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, 100 क्वेश्चन करवा दिए आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर में, CHSL का दूसरा शिफ्ट का भी क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहिए, घर से मत निकलिए और ज़रूरत पड़ने से निकलिए। और जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए।